दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ धर्मशाला में दहाड़ा जायसवाल का बल्ला, शतक ठोक अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर दिलाई टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिर जब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन, कैसे जायसवाल ने लिखा अपने बल्ले से नया कीर्तिमान, कैसे अपने बल्ले से बांग्लादेश के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर थर थर कांपने लगा बांग्लादेश, कैसे दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर खेला गया। टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद ही महत्वपूर्ण था क्योंकि दोनों टीमों ने एक एक मैच जीत लिए हैं और यह मैच जो जीता वो सीरीज पर कब्जा जमाएगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन बांग्लादेश टी20 मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। बांग्लादेश की शुरुआत तो बेहद खराब रही, भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन उसके बाद शाकिब अल हसन और कप्तान नजमुल्ला हुसैन संतो ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 200 रनों के पास पहुंचा दिया और भारत के सामने 20 ओवर में पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये इस स्कोर को देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत बांग्लादेश की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना सारा गुस्सा मासूम बांग्लादेश गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गर्जा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर होता है बांग्लादेश की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है शाकिब अल हसन का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, शाकिब अल हसन ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले शुभमन गिल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। शुभमन गिल 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं संजू सैमसन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी, बांग्लादेश मैच में वापसी आ चुका था। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां यशस्वी जायसवाल ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह के साथ मिलकर जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की शामत आ गई हो। जायसवाल बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था क्योंकि यशस्वी जायसवाल अकेले ही बांग्लादेश के लिए यमराज बने हुए थे। लेकिन वहीं रिंकू सिंह अपना विकेट तस्कीन अहमद को दे बैठे। टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी। रिंकू सिंह टीम के लिए 40 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। बांग्लादेश की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खतरनाक गेंदबाज शाकिब अल हसन ने केवल 6 रन ही बनाए। जी हाँ, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी तस्कीन अहमद के कंधों पर, लेकिन दोस्तों पहली ही गेंद पर जायसवाल उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए तो दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था कि मैच टीम इंडिया के हाथ से निकल गया है, क्योंकि 4 गेंद में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे, सभी की निगाहें जायसवाल पर टिकी हुई थी। तीसरी गेंद पर तस्कीन अहमद ने स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को जायसवाल ने मैदान के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया, तो फिर गेंदबाजी की 4th गेंद पर जायसवाल ने
एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। अब दो गेंद पर 12 रन बनाने के लिए रह गए थे। पांचवी गेंद पर गुस्से से बौखलाए तस्कीन अहमद ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी जायसवाल ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर गए बांग्लादेश के पसीने छुड़ा दिए थे। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। जायसवाल ने प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें कि तस्कीन अहमद ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश जीत गया हो, लेकिन फिर जायसवाल के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मैदान के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चले गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत यशस्वी जायसवाल ने तीसरे T20 मैच में भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई और इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज पर कब्जा भी जमा लिया, बल्कि बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर इतिहास लिख दिया। जहां बांग्लादेश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे, आखिर हो भी क्यों ना। यशस्वी जायसवाल ने अकेले दम पर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी और 140 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से तीसरे T20 मैच में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर शतक ठोक टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी नई नई वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।